नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। तुला राशि वालों, आने वाले अगले तीन दिन हो जाइए सावधान, क्योंकि अगले तीन दिनों के अंदर पाप और पुण्य का हिसाब किताब होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके दुश्मनों का काला चिट्ठा खुलने वाला है और सबके सामने आने वाला है, इसलिए हो जाइए सावधान। पाप और पुण्य का अब हिसाब करेंगे देवों के देव, भगवान महादेव जी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सच्चाई आपके सामने खुलने जा रही है वह केवल आपको हिला देगी बल्कि पूरे समाज में भी टहलका मचा देगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज को उजागर करने जा रही है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप न केवल हैरान होंगे बल्कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका पर्चा खुलते ही पूरे समाज में ऐसा हंगामा होगा, ऐसा शोर मचेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। जी हां, अब आपके दुश्मनों का राम नाम सत्य होने का समय आ गया है। जी हां, क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब आपके दुश्मनों का अंत होने वाला है। आपके दुश्मनों ने बेवजह झूठ मूठ का बहुत परेशान किया है आपको। जी हां, और अब उन सभी चीजों का बदला लेने का समय आ गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी जिंदगी की अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं। वह समय आ गया है जब आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वह अध्याय आपके लिए इतना भयानक होगा, आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला सकता है जिसकी आपने क्या किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। जी हां, क्योंकि आपका पर्चा खुलते ही चारों ओर टहलका मच जाएगा और सब लोग कहेंगे, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, जो नहीं होना था वही हो रहा है। दोस्तों, बता दे कि सच्चाई जानकर आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे, और आपको बता दें कि यहां तक बागेश्वर धाम बाबा भी हैरान हो गए हैं, सदमे में पड़ गए हैं। दोस्तों, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपको स्तंभ कर देगी, क्योंकि यह बातें कोई साधारण बातें नहीं हैं। ग्रहों का पूरी तरह से जांच परख करने के बाद, ग्रहों का पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद ऐसी वीडियो हम आपके लिए तैयार किए हैं जिन्हें जानकार आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि कलयुग में पहली बार ऐसा हो रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, बहुत बड़ी सच्चाई निकालकर सबके सामने आने वाली है। अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत आपके अंदर हो तभी इस वीडियो को देखना, और घमंडी लोग इस वीडियो से बिल्कुल दूर ही रहना, क्योंकि घमंडी और ना समझ लोगों से मैं दूर ही रहता हूं, और यहां तक भगवान भी दूर रहते हैं। ऐसे लोगों से अगर बात समझ आ रही है तो बोलिए, कहां देखिए दोस्तों, भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अरे मूर्ख, तो वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। तुम लाख प्रयास कर लो, जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी तब तक तुम अपने जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, भगवान के मर्जी के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। भगवान के मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता है। भगवान के मर्जी के बिना इंसान सांस भी नहीं ले सकता। इसीलिए कहा गया है कि ऊपर वाले की महिमा अपरंपार है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। यह वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी धोखे के बारे में आपको बताएगा। जी हां, आपका प्यार, आपका पैसा, आपका सबसे बड़ा धोखा और आपकी मौत, यह सब कुछ इस वीडियो में खुलकर सबके सामने आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह ऐसी है जिन्हें सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा वह 100% सत्य बात बताऊंगा, एक भी परसेंट गलत नहीं बोलूंगा, चाहे मेरा जान ही क्यों ना चली जाए। इस वीडियो में मैं आपको वही बता रहा हूं जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से पता चल रही है, जो जो आपकी कुंडली में दिख रही है वही हम आपको बता रहे हैं। सभी लाभ हानि के बारे में विस्तार से बताएंगे। इन दिनों आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर, बिजनेस, लव लाइफ,
धन का लेन देन, धन का संचय व अन्य सभी स्तरों पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और साथ ही अपने इन प्यारे हाथों से नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव लिखिएगा। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। आगे की जानकारियां आपके लिए और भी बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आगे आने वाली समय अवधि में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, यह गोल्डन समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आपको अपने हर एक शब्द पर ध्यान देना होगा। जो भी कार्य आपको करना है सोच समझ कर करना है। फिर देखिएगा यह गोल्डन समय आपकी जिंदगी को कैसे गोल्डन बनाती है। लेकिन हो जाइए सावधान, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आप अपने दोनों आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे वही व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है। जी हां, कहते हैं ना कि अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आपकी तरक्की और कामयाबी देखकर आपके अपने ही कुछ आपसे जलने वाले हैं, आपसे ईर्ष्या करने वाले हैं। इसलिए समय के साथ सावधान हो जाइए और जैसा हम आपको बताएंगे वैसा आपको करना है। अगर आप चाहते हैं आप धोखे का शिकार ना बने, लोग आपको इस्तेमाल ना करें, तो आप मेरी हर एक बातों का कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। इस समय ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है, सामाजिक गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलेगा, लक्ष्य पर फोकस रहना आपको विजय देगा। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय सूझबूझ और विवेक से कार्य करने से हर बाजी आपके पक्ष में ही रहेगी। आज पड़ोस में किसी मामले में वाद विवाद की स्थिति बढ़ेगी, शांति से समस्याओं को सुलझाना उचित रहेगा। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके चले, अन्यथा बेवजह आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है और मामला कोर्ट कचहरी भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा सावधान और सतर्क रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। कभी कभी सभी को खुश रखने के प्रयास में आप अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें। व्यवसाय संबंधी प्रयास सफल रहेंगे। इस समय मार्केटिंग तथा प्रोडक्शन संबंधी कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें। किसी अनजान इंसान से बिजनेस संबंधी बातें शेयर न करें, नुकसान हो सकता है। ऑफिस में कुछ अथॉरिटी मिलेगी। इस समय पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। घर में संबंधियों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। पिछले कुछ अनुभवों से सीखकर वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक सफल भी होंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए बेहतरीन रिश्ता आने की संभावना है। कोई पेमेंट आदि रुक जाने से मन कुछ खिन्न भी रहेगा। नकारात्मक परिस्थितियां होने पर अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें तथा फिजूल खर्ची पर भी नियंत्रण रखें। बेचैनी की वजह से काम में भी किसी प्रकार की लापरवाही हो सकती है। व्यवसाय में परिस्थिति के अनुसार बदलाव करने की भी जरूरत है। ठेकेदारी के बिजनेस में नुकसान होने की आशंका है। उच्च अधिकारियों से संबंध न बिगड़ने दें। ऑफिस के कामकाज में जरा सी चूक या लापरवाही होने से प्रोजेक्ट में रुकावट आ सकती है। घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। परिवारजनों के साथ मधुर वार्तालाप में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। आज दिन की शुरुआत में बहुत जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन कई काम भी सुलझ जाएंगे। अपनी योजनाओं को अमल में लाने का अनुकूल समय है। किसी खास व्यक्ति की वजह से आपकी शाम बहुत ही सुहावनी रहेगी। इनकम के सोर्स बढ़ने से खर्चों की परेशानी नहीं होगी। कुछ घटनाएं आपको तनाव भी दे सकती हैं, परंतु कोशिश करें कि उनका दुष्प्रभाव आप पर हावी ना हो। ध्यान रखें कि किसी नजदीकी संबंधी से पारिवारिक मामलों को लेकर कहां सुनी हो सकती है। व्यर्थ के बातों पर ध्यान ना दें। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही को भी स्थगित ही रखें। बिजनेस में व्यस्तता के कारण नई गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बिजनेस मजबूत करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट और योजनाओं को अच्छे से समझ लें। ऑफिस में प्रोजेक्ट को हल करने के लिए उच्चाधिकारियों की मदद लेना फायदेमंद रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा।
प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बनी रहेगी। यह समय अत्यधिक व्यस्तता और मेहनत वाला है, हालांकि आपका उदार और सहज स्वभाव ही आपकी सफलता का कारण बनेगा। कोई पारिवारिक मसला भी हल होने से घर का वातावरण सुकून और शांतिपूर्ण रहेगा। बच्चे भी अनुशासन में रहेंगे। बेहतर व्यक्तित्व पाने के लिए कुछ समय एकांत में बैठकर अपने जीवन के मापदंडों पर गौर करें। नजदीकी मित्रों रिश्तेदारों के साथ संबंधों में कड़वाहट ना आने दें। लापरवाह तथा क्रोधपूर्ण रवैया जैसी इन कमियों में सुधार लाएं। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सुधार आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय सफल रहेंगे। कोई रुकी हुई पेमेंट आ जाने से आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में गलत फहमियों की वजह से अलगाव की स्थिति बन रही है। आज किसी व्यक्ति विशेष की मदद से कोई बड़ी समस्या का समाधान मिलेगा, जिससे आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। घर में कुछ नवीनीकरण व साज सज्जा को लेकर कुछ योजनाएं बनेंगी। कोई भी काम करने से पहले उस पर बजट जरूर बनाएं तो आर्थिक दिक्कतों से बच जाएंगे। कभी कभी मन में नकारात्मक विचार उठने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, इसलिए डर चिंता जैसी स्थिति को अपने जीवन में स्थान ना दें। इस समय बच्चों का भी अपनी पढ़ाई से ध्यान बिल्कुल भटक रहा है। परिवार के विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य ना करें। व्यवसाय कारोबारी व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। कर्मचारियों से काम लेते समय पूरा ध्यान रखें, जरा सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। साथ ही किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया भी परेशान करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को हल करें। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। अपने लक्ष्य पर फोकस रहे तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। अपनी छुपी प्रतिभाओं को समझें और उनको सही दिशा में लगाएं। भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी होगा। कुछ मान हानि होने जैसी स्थिति भी बन रही है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें तथा बिना किसी बात को समझे अपना निर्णय ना दें। इस समय बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। रखरखाव संबंधी कार्यों को लेकर उम्मीद से ज्यादा खर्च हो सकता है। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी तथा आप अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप बखूबी करेंगे। गैर कानूनी कामों में दिलचस्पी न लें। मान हानि होने की आशंका है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से उलझने पर परेशानी हो सकती है। परिवारजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों को परिजनों की स्वीकृति मिलने से मन खुश रहेगा। आज कामकाज का दबाव बना रहेगा, लेकिन शाम तक इसके बेहतर परिणाम मिलने से थकान दूर हो जाएगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। असरदार लोगों से मेरी मुलाकात होगी और उनकी सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए आशीर्वाद रहेगा। परिवार की व्यवस्था को लेकर भी आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। किसी भी पॉलिसी आदि में निवेश करते समय दूसरों की बातों में आने की बजाय उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल करें। अपनी उपलब्धियों का ज्यादा दिखावा ना करें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखें तथा शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाएं। कार्यस्थल पर अच्छी व्यवस्था रहेगी और कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा। हालांकि कर्मचारियों की गतिविधियों से दिक्कतें आएंगी। तनाव लेने की बजाय शांति से समस्या सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस के अधिकतर काम व्यवस्थित रूप से निपट जाएंगे। शाम का समय परिवारजनों के साथ खुशनुमा व्यतीत होगा तथा परिवारजनों के बीच उचित तालमेल भी बना रहेगा। दूसरों की बातों को ध्यान से सुने और महत्व दें। किसी के मार्गदर्शन से लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता व तनाव से राहत मिलेगी। भाइयों के साथ भी संबंध मधुर बनाने से पारिवारिक वातावरण में सुखद बदलाव आएगा। वार्तालाप करते समय उचित शब्दों का ही चयन करें तथा विवादित मामलों से खुद को दूर ही रखें। संतान से संबंधित परेशानी में उसका सहयोग करना तथा मनोबल बढ़ाकर रखना आपका दायित्व है। किसी मित्र की बातों में आकर अपना आर्थिक नुकसान कर सकते हैं। बिजनेस संबंधी छोटी बातों पर भी ध्यान दें, इससे अंदरूनी व्यवस्था बेहतर होगी। किसी पार्टी द्वारा जल्दी ही आपको नए व्यवसायिक अनुबंध मिलने वाले हैं। लोहे से जुड़े बिजनेस में ज्यादा निवेश न करें। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा।
विवाह योग्य लोगों के लिए उचित रिश्ता भी आ सकता है। कोई धार्मिक आयोजन भी संभव है। आज आपको किसी उलझन से छुटकारा मिलने वाला है। किसी नजदीकी मित्र का सहयोग आपके लिए मददगार साबित होगा। कुछ समय आत्म केंद्रित होकर चिंतन में लगाएं, आपको अपने कई सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। बच्चों की प्रोग्रेस देखकर संतुष्टि रहेगी। व्यक्तिगत कार्यों को लेकर बहुत अधिक भागदौड़ की स्थिति रहेगी। घर में बहुत अधिक अनुशासन बनाकर रखना पारिवारिक लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। समय अनुसार अपने स्वभाव में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। कारोबार में नई गतिविधियां शुरू होंगी, लेकिन ध्यान रखें कि छोटी सी गलती से बड़ी डील कैंसिल हो सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करने का मन बना सकते हैं। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक पारिवारिक माहौल को और अधिक खुशनुमा बनाएगी। मित्रों के साथ में मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। उत्तम ग्रह गोचर बना हुआ है। रुचिपूर्ण कार्यों में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब होगी। आपका आत्मविश्वास नई उम्मीद और आशाओं को जागृत करेगा। किसी को भी उधारी देने से बचें तथा किसी भी तरह के निवेश को फिलहाल टाल दें। कभी कभी आपका ध्यान आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित कर सकता है। अपनी मनोस्थिति पर काबू रखें। लोगों के साथ मेल मिलाप करते समय आत्मीयता रखें। व्यावसायिक गतिविधियों को बहुत ही व्यवस्थित व सुचारू रूप से करने की जरूरत है, वरना थोड़ी सी गलती भी लाभ को हानि में तब्दील कर सकती है। आज बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी, परंतु मेहनत के अनुरूप परिणाम कुछ कम ही हासिल होंगे। घर में मेहमानों की आवाज आ ही रहेगी तथा मनोरंजक माहौल रहेगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का अवसर बनेगा। किसी भी असमंजस की स्थिति में किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते जाएं, अवश्य ही सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन अथवा विदेश जाने के लिए लोगों को कोई संभावना नजर आ सकती है। रुपए पैसे के मामले में ज्यादा सचेत देने की जरूरत है। कभी कभी आपका क्रोध और जल्दबाजी आपके परिवार में परेशानियां उत्पन्न देते हैं। माहौल नकारात्मक हो जाता है। अपने व्यवहार को संयमित रखें। इस समय प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई भी निर्णय ना लें। बिजनेस संबंधी चुनौतियां बनी रहेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े बिजनेस में नुकसान होने की आशंका है। इस समय किसी भी प्रकार का व्यापारिक अनुबंध न करें। रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयासरत युवाओं को कोई सुनहरा अवसर मिल सकता है। घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा और पारिवारिक नजदीकियां भी आएंगी। लव पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। अपने आसपास के लोगों के साथ मधुरतापूर्ण संबंध रहेंगे। अपनी कार्य प्रणाली को योजनाबद्ध और व्यवस्थित रूप से अंजाम दें। आपके घर में किसी तरह के सुधार संबंधी योजना बन सकती है। कोई पुराने विवाद अथवा झगड़े दोबारा उभर सकते हैं, खासकर पैसों के मामले में किसी पर अधिक भरोसा न करें। कोर्ट केस संबंधी मामलों को भी आज स्थगित ही रखें। लाभ पाने के चक्कर में किसी की बातों में न आए। बिजनेस के कामों में असमंजस की स्थिति रहेगी, इसलिए साथियों और घर के अनुभवी लोगों के फैसलों को प्राथमिकता दें। पार्टनरशिप संबंधी गतिविधियों में पारदर्शिता रखें। नौकरी पेशा लोग अपना मनचाहा प्रोजेक्ट प्राप्त करेंगे। पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें तथा जीवन साथी से विवाद न करें। प्रेम संबंध में अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे।